कमलनाथ सरकार फेल हो गई है। कांग्रेस के राज में किसान, युवा, बेरोजगार सभी परेशान हैं। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रदेश मध्यावधि चुनाव की ओर जा रहा है। ये बात छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मंगलवार को सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन रखा गया। इस दौरान छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कमलनाथ सरकार फेल हो गई है। कांग्रेस के राज में किसान, युवा, बेरोजगार सभी परेशान हैं। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। प्रशासन मध्य प्रदेश के अंदर में बचा है। कांग्रेस बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बहुत दुखी हैं। कोई उनका माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुकेश नायक ने बात कहा कि कमलनाथ ने कुछ अपने निजी आदमी रख लिए हैं, वो निजी आदमी शासन और प्रशासन चला रहे। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा भारी उपेक्षा हो रही है। कमलनाथ जी ने अपने लड़के को सांसद बना दिया, उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, मतदान के बाद एक दिन हेलीकॉप्टर से वो आए और कमलनाथ जी इतनी चिंता की प्रधानमंत्री से मिलाने के लिए लड़के को ले गए। संसद का सत्र था तो उसके लिए छोड़ने के लिए कमलनाथ जी अगर जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता की चिंता करें और जो वायदे आपने किए हो उनको कमलनाथ पूरा करें। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार एक और जहां आधा साल बेमिसाल बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं भाजपा कमलनाथ सरकार को निष्क्रिय बताते हुए जमकर हमलावर हो रही है। बहरहाल भाजपा की यह पत्रकार वार्ता प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे की उस पत्रकार वार्ता का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ सरकार के पिछले 6 महीने की उपलब्धता गिनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, छिंदवाड़ा।